हाय गाइस, वेलकम टू कृपाल ब्लॉग्स। तो दोस्तों, हमारे यहाँ तो हवा तूफान हुए थे, आप लोग जानते ही हैं, और तभी से कारण नहीं है, नहीं है तो भी आया है जो दो एक दिन, कल 3 दिन हो गए आए हैं। तो आज है आपका शुक्रवार, तो कल 2 दिन हुआ आए हैं, तभी भी देखिए कारण नहीं है। फिर करंट आने से क्या होता है, कारण नहीं है। तो अभी इतना हवा तूफान दे ही रहा है, तो हमारा तो जानते हैं गांव एरिया है, तो इतना थोड़ा सा हवा देने से लाइन कर देते हैं। तभी तो दोपहर का टाइम में देखे लाइन नहीं है, छोटा घर अंधेरा है, तो बोला ये है आप लोगों को लाइन आने से भी लाइन का डिस्टर्ब रहेगा, अंधेरा अंधेरा रहेगा, रात को थोड़ा देर देते हैं, और अगर हवा दे देंगे तो फिर लाइन काट देते हैं। तो ऐसा ही चलता है अभी जो ये सीजन में, ऐसा ही हम लोगों का लाइन का बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग ऐसा ही चलते हैं। इसलिए हम तो सुबह सुबह उठ के ही पहले तो हम टेंकी का पानी भरा लेते हैं, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है पानी का लिए। दूसरा सब हो जाता है, लेकिन किचन का काम ही बहुत दिक्कत हो जाता है पानी ट्यूबवेल से। ये हमारा बाथरूम है, बाथरूम से किचन, तो यहाँ से ट्यूबवेल से, ट्यूबवेल भी है हमारा बाथरूम के भीतर में, तो ट्यूबवेल से लेके आना बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर पहले से भी ट्यूबवेल से जो काम करता है तो अच्छा दूसरा बात है, लेकिन जब टेप सिस्टम कर देने से बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आप हम देखिए क्या लाए हैं, ये क्या है बोलिए तो, ये चीनी ले आए हैं, सब से ही ले आए 3 केजी, आन के यहाँ पे रख देते हैं हम एक्स्ट्रा टेमा में, क्योंकि शुक्र शनि सोम और निरामिष जो जो दिन खाते हैं ना, तो फिर सबसे ले आना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके, तो हम ज़्यादा करके ले आए हैं। अभी इससे भरा कर रख देंगे निरामिष का दिन, तब दिक्कत नहीं होता है, तो इसीलिए ले आकर रख दिया हूँ। आटा चीनी और जो जो अपने खुचरा सामान होते हैं ना, हम ले आकर ज़्यादा करके घर में रख देता हूँ, क्योंकि निरामिष खाने का दिन बहुत दिक्कत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कर लियाओ, तो इसलिए हम ज़्यादा करके आन कर रख दिया है। अभी इसे टेमा में भरा कर रख दूँगा। देखिए हमें गठे में मरा है, इतना टाइट से खोलने को भी नहीं देता है। तो चीनी भरा लिए हैं, अब जाएंगे किचन में नाश्ता पकाना है। तो देखिए आज का नाश्ते पे क्या बनाएंगे कटहल, तो और इसमें हमने सब एक्स्ट्रा जानते हैं निरामिष खाएंगे, तो इसीलिए आज सब नया नया चीज़ लाए हैं, चावल दाल तेल दीमक सीमक सब हम एक्स्ट्रा ले आते हैं। तो यहाँ पे ले आकर रखे हैं, अभी भात बैठा देंगे, और भात होते होते उतना टाइम में हम कटहल काट लेंगे, और उसका लिए जो जो सामान चाहिए सब रेडी कर लेंगे, और उतना देर में भात होते होते हमारे ये रेडी हो जाएगा, इसका बाद फटाफट ये सब्जी बना लेंगे कटहल का और खाएंगे। तो कटहल भी कटने को बहुत टाइम लगता है, तो हम फटाफट काट लेते हैं कटहल को, वो टाइम भी लगता है और बनाने को बहुत टाइम लगता है, लेकिन आज है निरामिष तो अच्छा नहीं लगेगा उतना खा के, तभी भी घी दे देंगे, तो ऐसे ही बनाएंगे आज। तो कटहल में अगर प्याज लहसुन और ये नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगता है खा के, तो क्या करेंगे, आधा आज बनाएंगे, कल तो नहीं होगा, परसों दिन में और आधा रख देंगे, वो परसों दिन में प्याज लहसुन वसुन दे के अच्छा अच्छा टेस्ट करके मंगा के खाएंगे। तो आज सोमवार दिन को निरामिष का दिन कुछ अच्छा भी मिलता नहीं है खाने के लिए, ये सब देखे खाता हूँ अच्छा लगता है, पनीर उनीर रहता तो हमारा गाँव एरिया जानते हैं ना, अच्छा अच्छा चीज़ तो नहीं मिलता है, बहुत टाउन जाना पड़ता है, तो जो तो ये जो लाव का आग होता है बाइया सदना उतना वो सब अच्छे मिल लेते, तो जो निरामिष खाता ना उस दिन ये सब देखे खाने को अच्छा लगता है, निरामिष सब्जी हो या चचड़ी उचड़ी बनाने से, लेकिन हमें तो यहाँ नहीं मिलता है, और जो
हर तो नहीं मिलता है, जो जो मन चाहता है वो अच्छा से फटक से नहीं मिलता है, बहुत टाउन से लाना पड़ता है। तो आज कटहल का सब्जी बना दूंगा और टमाटो का। वो आज तो शुक्रवार है, नहीं खाने सकूँगा शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को तो टेंगा नहीं खाते, जो खट्टा है खाने नहीं सकते हैं। तो और करेला है और भिंडी भी है, फ्राई कर दूंगा, हो जाएंगे। तो झटपट बना लेता हूँ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।